अब ये देखिए, कबूतरों के घर में ना मुर्गी जाके उसमें रह रही है। पता नहीं उसको क्या हो गया। मुझे लगता है ना, जो यहाँ पे हम लोग ड्रम उसका था ना, जिसपे अंडे देती थी, उसको अभी हम लोग हटा दिए ना, इसलिए मुझे लगता है ना कि ये इसमें जाके ना अंडे देने की चाह रही है, इसमें जाके बैठ रही है ये लाल वाली मुर्गी। ये अभी तक हो गया 3-4 दिन, अभी तक अंडा नहीं दिए। मुझे लगता है अब अंडे देगी, इसलिए बार बार इसमें जाके बैठ रही है। पर ये मुझे लगता है ना, इसको और ज्यादा छोटा करना पड़ेगा। कबूतर का घर बहुत बड़ा हो गया, इसमें तो मुर्गी जा के बैठ जा रही है, उसके बाद भी बहुत जगह बच जा रहा है। तो ये चीज हम देखेंगे। पहले तो मुझे करना है इधर का सफाई, जो कि हम लोग को भैंस इधर रखना है, तो ये पहले सफाई कर देना है। तो अभी सुबह का समय, अभी खरगोश देखिए कभी इधर घर बना रहा है, और सुबह में अभी देखिए मैं बताता हूँ। इधर में गया और इधर में देखिए बिल करने लगा था, तो इधर ईंट डाल दिए। हर जगह ना वो घर बनाने का कोशिश करने लग जा रहा है, उसको भी बहुत जल्दी हम लोग घर बनाएंगे। ये रेडी हो जाएगा ना इधर का साफ सुथरा, तब पहले उसी का घर बनाएंगे। देखिए कैसे खोद रहा है, उसी में खोदे जा रहा है। मेरा लाल वाला कबूतर इधर आके बैठा है, क्या हो गया इसको? रे रे रे, अंदर मत जाओ। जब से इसको कड़कनाथ मुर्गा मारा है ना, जब से इधर डर सा गया है, पता नहीं क्यों। वैसे तो कल मुझे सफेद वाला भी मुर्गा मारा, देखिए अभी फिर ऊपर मुर्गी चढ़ गई। क्या हो गया उसको? उनके घरों में जा जाके रह रही है। अरे अंडे देना है तो कहीं और दो ना। बोलो क्या? अभी देखिए वो काला वाला चला गया उसको मारने के लिए। इसके उधर से ये भगा दे रहा, बाकी इधर से मुर्गियां भगा दे रही है। जब भी अभी हम आए हैं ना, तो कड़कनाथ मुर्गा को आजादी मिल गया, उसको लग रहा है देखिए मारने के लिए पहुंच गया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। अभी हमारी मुर्गी सभी चूजों को लेके अंदर की तरफ में ना, उसमें पता नहीं क्या क्या बिन बिन के खा रही है। इतना सब बाहर में अनाज गिरा है, पर उसके अंदर पता नहीं क्या। मुर्गियों का एक चीज का आदत है, उनको ना ज्यादा चीजें खोद खोद के खाने में ही मजा आता है। तो उसके लिए हम लोग इधर जब घर बनाएंगे ना, तो लाल वाला जो भूसी होता है ना, उसके नीचे लाके रख देंगे, कि उसमें वो लोग अपना जो भी खोद खोद के खाना हो तो खाते रहेगा। फिर देखिए अभी मैंने मुर्गी को हटा के आया, और फिर जाके ना उसी में बैठ गई। अभी मुझे लगता है ना ये अंडा देने ही वाली है। अच्छा बैठो 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 बैठो, आज भर अंडा दे दो, अभी तो लेट है ना घर बनाने में। घर बन जाएगा तो ऐसे उन लोग के घर में नहीं जाएगी, वो अपने खुद के ही घर में जाके ना अंडे देगी। अभी क्या उसको मारेगी क्या? इधर उधर सोच रही है कि हाँ क्या हो गया है। अभी हो गया कबूतरों का झगड़ा, देख रहे हैं लाल वाला उसको मारे जा रहा है, और जब तक काला वाला कबूतर आके उसको देखिए हेल्प कर रहा है। अरे भाई मत मारो, अकेला है, उसका साथी आ जाएगा तो अभी अकेला नहीं रहेगा। चलो तुम इसमें आ जाओ, रहने दो उन लोग को। इसको मारे जा रहा था वो, जब तक ऊपर से तुरंत उतर के नीचे आया मारने के लिए, इतना वो इसको मानता है। हर किसी को ना अपने परिवार को मानना चाहिए। जैसे उसने अभी उसको जैसे ही लाल वाला कबूतर मार रहा था ना, ऊपर से तुरंत उड़ के आया और नीचे में जाके उसको मारना चालू कर दिया। अभी उसके अंदर जाएगा तो पक्का उसको मारेगा बदला लेने के लिए। भाई ठीक है ठीक है, हम निकल जाओ, बहुत गुस्से वाले हो। ये तो इधर से उधर, अभी इसमें ये मारेगा। देखिए अभी इधर झगड़ा चालू हो गया। अब मुझे तो लगता है दिन भर इन लोग का झगड़ा ही सलटाना होगा, मुझे वो सब सफाई नहीं करना होगा। इन लोग को अलग अलग करके रख रहे हैं, फिर भी जाके ना वो काला वाला सब में ढुक ढुक के इन लोग को मार रहा है। अरे इधर से उधर जा रहा है, अभी ये गुस्सा कर रहा है, देखिए पंख हिला रहा है, वो पंख से ही मारेगा। ए भाई तुम निकल के आ जाओ इधर, और इसमें रहो, इसमें तुम्हें कोई तंग ना करे। अभी ठीक है, हम चलते हैं अब उधर का सफाई करने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर हो जाएगा आज शाम, 2 दिन से तो सफाई करने में शाम ही हो जा रहा है। तो इतना उपला ना हम लोग बाहर में कर दिए, और अभी हमारी ना जो मुर्गी है, जो कबूतरों के पास जा जा के बार बार बैठ जा रही थी इसके ऊपर, अभी देखिए अंडा दे दी है। इतना अभी गर्म भी अंडा, अभी तुरंत अंडा दी है। अभी मैं उपला लेके बाहर जा रहा था ना, तो देखा, तो आप लोग को भी मैं दिखाने के लिए ले आया। तो ये अंडा इसमें आके हमारी मुर्गी अंडा दी है। अभी इस दरबे को ना हम लोग थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे, कि हमारी मुर्गी इसमें ना जाए। मुर्गी अंदर जाएगी ना तो कबूतर पे हमला करेगी, जिससे हमारे कबूतर घायल भी हो जाएंगे। और मेरे भाई ने कमेंट भी किया था, भाई आपके मुर्गियों के होते हुए मुझे नहीं लगता है कबूतर के बच्चे देखने को मिलेंगे। सही बोले भाई आपने, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो कभी घर थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे,
तब जाके ये लोग भी ठीक रहेगा, इसमें मुर्गी भी नहीं जाएगी, और इधर इधर से ना घेर देंगे तब हो जाएगा बढ़िया सा। अभी ले जाके फिलहाल हम इसको रख देते हैं। अभी हम जो लकड़ी और उपला बाहर में रख रहे थे ना, उससे पहले मेरे ध्यान आया ना कि हमारी कबूतरी बहुत जल्दी अंडा देने वाली है, तो इसका घर ना छोटा छोटा कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने ना इसके बीच में हर एक में ना दे दिया, अब इस पर से प्लाई रख देंगे जिससे छोटा घर हो जाएगा उनके लिए, अच्छा हो जाएगा। ऐसा में देख रही कितना इसको हवा भी लग रहा है और इसमें जाके मुर्गी भी बैठ जा रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक एक पहले रख देते हैं। क्या हो गया? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। क्या हो गया? तो अभी आया है हमारा बेटा नानी के घर से। क्या वो बोरी है? छोड़ दो। ओ मुर्गी कहाँ है? उन्ने। तो अभी नानी के घर से आया है और आते ही बोल रहा है चलो वीडियो बनाया जाए। बोलो उन्ने। चलो छोड़ दो। तो अभी हम लोग इसको ठोकवा लेते हैं कि जल्दी हो जाए। सभी के बीच में ना एक एक दे दिए, तो अभी हम लोग का घर कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक साइड में 6, 6, 12, 6, 18 कबूतरों का घर रेडी हो गया। नहीं तो पहले ना कितना हो गया था सब में, 18 में 9 ही घर था और 9 से डबल हो गया, अभी 18 हो गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। इस कबूतर को ना मार दिया है लोग, देख रहे हैं पूरा खून ही खून कर दिया है लोग, इसीलिए इसको इसमें रख रहे हैं। इस वाले मुर्गी के बच्चे को ना चोट लग गया है इसके टांग पे, देख रहे हैं इसके टांग पे ना भैंस ने लात धर दिया था, पूरा फूल गया है। सुबह मैंने हल्दी और तेल इस पे चढ़ाया है जिसकी वजह से आराम है और अभी एक साइड में बैठा है। खाली वाली 2 दिन हो गया अंडा नहीं दी, मेरे ख्याल से कहीं दे रही है, और इधर में तो हम लोग इतना सफाई किए हैं इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है मुझे अंडा, अंडा कहीं पे नहीं है। तो अभी इतना ये सब लकड़ी ना निकालना बाकी है, बाकी सब मैंने निकाल के ना बाहर की तरफ कर दिया है, और ये साइकिल वकील भी है इसको सबको बाहर करना है। अभी हम लोग का ना कबूतर का घर हो गया पूरा रेडी, इतनी अच्छा सा दिखने लगा है, पहले ना बिल्कुल ज्यादा बड़ा बड़ा सा दिख रहा था घर इन लोग का, अभी बिल्कुल कबूतरों जैसा हो गया। लखा कबूतर को क्या हो गया, बिल्कुल सुस्त सा हो गया, मार दिया है ना मुर्गियों ने वो ऐसा हो गया। तो अभी हो गया है शाम, तो अभी के लिए लेते हैं इजाजत। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए बाय दोस्तों।